हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसन जी के और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट का प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से, राइट। जो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जैसे कि प्रेजिडेंट की होती थी। प्रेजिडेंट की भी इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होती थी। अब जो वाइस प्रेजिडेंट की इलेक्शन होती है, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। जो इसका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, उसमें दोनों हाउसेस के सारे मेंबर्स होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आर्टिकल 66 क्लॉज 1 में मेंशन है, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वन, अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। सेकंड, ओवर 35 इयर्स ऑफ एज, एज 35 या 35 से ज्यादा होनी चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 66 में ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, जो अगर आपने वाइस प्रेसिडेंट बनना है, मतलब कि किसी पर्सन ने वाइस प्रेसिडेंट बनना है, तो उसके लिए वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई पर्सन राज्यसभा का मेंबर बन सकता है, देन ही मस्ट बी अ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकता है, ठीक है। अब इन केस, ठीक है, अ लेजिस्लेचर का जो मेंबर है, ठीक है, किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का हो या कोई पार्लियामेंट का मेंबर हो, वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, ठीक है, तो जिस टाइम पे वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, तो उस टाइम से उसको अपने हाउस की सीट को खाली करना पड़ेगा, जिस भी हाउस का वो मेंबर है, ठीक है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, या फिर वो किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो, ठीक है। जब वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया, तो उसको अपनी पुरानी सीट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। एज अ वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अब देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर वो राज्यसभा का मेंबर ही नहीं है, तो वो राज्यसभा में वोटिंग नहीं कर सकता, ठीक है, बट वो वोटिंग करता है। कैसे करता है, एज अ चेयरमैन ऑफ हाउस। देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जो राज्यसभा में वोटिंग होती है, वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट वोट नहीं देता राज्यसभा में, वो राज्यसभा में वोटिंग करता है एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो जो उसकी वोट होती है, वो कास्टिंग वोट होती है, मतलब कि उसकी डिसीसिव वोट वो कास्ट करता है, ठीक है। जैसे कि लोकसभा में स्पीकर होता है ना, सेम राज्यसभा में चेयरमैन होता है, ठीक है। और वो चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा में, वो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ठीक है। अब इसकी टर्म कितनी होती है, वाइस प्रेसिडेंट की टर्म होती है इसकी 5 ईयर्स की, ठीक है। और उससे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। कैसे, एक तो अगर वाइस प्रेसिडेंट ने खुद ही रिजाइन कर दिया, तो उसकी पोस्ट खाली हो जाएगी, या फिर उसको रिमूव किया जा सकता है। अब जो इसका रिमूवल का प्रोसेस होता है वाइस प्रेसिडेंट का, वो कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट वाइस प्रेसिडेंट की नहीं होती है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे करते हैं, अगर राज्यसभा में मेजॉरिटी मेंबर्स ने उसके रेजोल्यूशन को, जो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का रेजोल्यूशन राज्यसभा में आया है, तो राज्यसभा के मेजॉरिटी मेंबर्स ने उसको पास कर दिया, और आगे फिर लोकसभा के जो मेंबर्स है वो भी उस पर एग्री कर गए मेजॉरिटी मेंबर्स, तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके जो रिमूवल का प्रोसेस है, आर्टिकल 67 में मेंशन है, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होता है। मतलब कि कोई पर्सन अगर वाइस प्रेसिडेंट है, अगर वो चाहे तो दोबारा फिर से भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। ऐसा कब हुआ था, 1957 में, ठीक है, उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और वो सेकेंड टाइम फिर से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1957 में बन गए थे, ठीक है। और जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, वो वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले सोवियत यूनियन में इंडिया के एम्बेसडर थे, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले सोवियत यूनियन में इंडिया के एम्बेसडर हुआ करते थे, ठीक है।
अब अगर हम फंक्शंस की बात करें तो एज सच वाइस प्रेसिडेंट के कोई भी काम नहीं होते, ठीक है। नो फंक्शंस आर अटैच्ड टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब जो नॉर्मल फंक्शन वाइस प्रेसिडेंट करता है वो काम सारे होते हैं उसके एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा का चेयरमैन होने के नाते सारे काम जो वाइस प्रेसिडेंट करता है वो एज अ चेयरमैन करता है, एज ए वाइस प्रेसिडेंट उसके कोई काम नहीं होते, ठीक है। अब इन केस प्रेसिडेंट की ऑफिस की कोई वैकेंसी हो गई, ठीक है, सपोज प्रेसिडेंट अपने काम नहीं कर पा रहा, ठीक है, कहीं बाहर गया है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, या उसकी पोस्ट खाली हो गई, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, डेथ भी हो सकता है या फिर उसने रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंट ने खुद ही, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट। जब तक कि अगर सपोज प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या उसने रिजाइन कर दिया तो प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता, ठीक है, या अगर प्रेसिडेंट छुट्टी पे गया है तो तब तक वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगा जब तक वो अपने ऑफिस में दोबारा आके अपनी ड्यूटीज नहीं संभाल लेता, राइट। तो ऐसा कब हुआ था, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था 1960 में, ठीक है, जब उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, वो 15 दिन के लिए सोवियत यूनियन में गए थे, तो उस टाइम पे जो उस वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, उन्होंने काम किया था एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज नहीं कर पा रहे थे, वो 15 दिन के लिए बाहर गए थे, तो उस टाइम पीरियड के लिए जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक्ट किया था एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो कब तक अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कब वो वापस अपने ऑफिस में आएंगे और अपना काम शुरू करेंगे, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, ये प्रेसिडेंट खुद ही डिसाइड करता है, ठीक है, कि कब वो प्रेसिडेंट कहीं बाहर जाएंगे, कब वो वापस आके अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ये प्रेसिडेंट का डिसीजन अपना खुद का होता है, ठीक है। तो उतने टाइम पीरियड के लिए वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगा, राइट। अब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो गई, सपोज साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट की भी पोस्ट खाली हो गई, ठीक है, उसका कोई भी रीजन हो सकता है, डेथ हो सकता है, रेजिग्नेशन हो सकता है या रिमूवल हो सकता है, ठीक है, किसी भी वजह से प्रेसिडेंट की भी पोस्ट खाली है और वाइस प्रेसिडेंट की भी पोस्ट खाली है, तो तब उस टाइम पे कौन एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगा, उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट। बट इन वर्स्ट सिनेरियो अगर हम देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी एब्सेंट है अपनी पोस्ट से, ठीक है, तो उस टाइम पे जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। ऐसा एक बार हुआ था, कब हुआ था, 1969 में हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, और जो वाइस प्रेसिडेंट थे श्री वीवी गिरी उन्होंने रिजाइन कर दिया था, ठीक है, तो उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मोहम्मद हिदायतुल्ला उन्होंने एक्ट किया था एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब जब वाइस प्रेसिडेंट हो या फिर सीनियर मोस्ट जज हो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, कोई भी, ठीक है, जब वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, तो उनको प्रेसिडेंट की ही सैलरी और इमोल्यूमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, अदरवाइज जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको जो सैलरी और इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उसको सैलरी मिलती है, ठीक है। जब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगा तो उसको प्रेसिडेंट की सैलरी और इमोल्यूमेंट्स मिलेंगे, अदरवाइज जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको राज्यसभा का चेयरमैन होने के नाते सैलरी और इमोल्यूमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। जब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करता है तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तो खाली हो गई ना, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, चेयरमैन होता है राज्यसभा का, तो राज्यसभा का चेयरमैन की ड्यूटीज कौन परफॉर्म करेगा, तो उस टाइम पे जो राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटीज है वो डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा का है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गया जब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है, तो उस टाइम पे राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा, जो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन है वो एज अ चेयरमैन एक्ट करेगा, आर्टिकल 91 में मेंशन है, राइट। अब वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट की इलेक्शन को लेकर, ठीक है, जो भी डिस्प्यूट्स या डाउट्स होते हैं, ठीक है, उनको कहाँ डिस्क्राइब किया है, आर्टिकल 71 में, ठीक है, उसके मेन प्रोविजंस क्या है, सच डिस्प्यूट्स आर डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट हुज ज्यूरिसडिक्शन इज एक्सक्लूसिव एंड फाइनल, ठीक है, जो भी इसके डिस्प्यूट्स होंगे इनकी इलेक्शन को लेकर, ठीक है, वो डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है इनकी इलेक्शन को लेकर वो एक्सक्लूसिव और फाइनल होगी, उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ठीक है।
नो सच डिस्प्यूट कैन बी रेज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी वैकेंसी इन इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, सपोज जो इलेक्टोरल कॉलेज बना है उनकी इलेक्शन के लिए, ठीक है, उसमें कोई वैकेंसी आ रही है, ठीक है, कोई MP या MLA या कुछ भी है, जो भी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है, उनकी वैकेंसी हो रही है, वो कहीं बाहर गए या किसी कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, तो उस चीज को लेकर कोई भी डिस्प्यूट नहीं लाया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, वो कोई डिस्प्यूटेड बात नहीं है, ठीक है, तो उस चीज पे डिस्प्यूट नहीं होगा इलेक्टोरल कॉलेज की वैकेंसी को लेकर, ठीक है। इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एक्ट्स डन बाय हिम प्रायर टू द डेट ऑफ सच डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इनवैलिडेटेड, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन को लेकर, ठीक है, कोई भी ऐसा डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसने डिक्लेयर कर दिया कि जो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट की इलेक्शन है वो वॉइड है, मतलब कि इनवैलिड है, ठीक है, हो ही नहीं सकती, तो वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लेने से पहले जो भी उन्होंने अपने काम किए हैं एज अ प्रेसिडेंट या एज अ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वो काम इनवैलिडेट नहीं होंगे, ठीक है, उन्होंने जो काम कर दिए वो वैलिड ही रहेंगे, उनको इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा, राइट। मतलब कि देखो कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो किसी डेट को, सपोज 15 को वो प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है, तो उसने अपने काम करने शुरू कर दिए ना 15 तारीख से, ठीक है, अब 15 से 20 से लेकर उसने कोई भी काम किया, ठीक है, 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, ठीक है, और 20 तारीख को क्या है, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आ गया कि नहीं जी इसकी जो इलेक्शन है वो तो इनवैलिड है, हो ही नहीं सकती, तो इन 5 दिनों में उन्होंने जो काम किए वो काम वैलिड होंगे, वो इनवैलिड नहीं होंगे, ठीक है, इसका मतलब ये है। मैटर्स अदर देन डिसीजन ऑफ सच डिस्प्यूट्स आर रेगुलेटेड बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अब ये तो थे डिस्प्यूट का काम, ठीक है, अगर इनकी इलेक्शन को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है, अब इनके जो डिस्प्यूट के अलावा कोई और मैटर आ गया इनकी इलेक्शन को लेकर, ठीक है, डिस्प्यूट के अलावा कोई और मैटर आता है इनकी इलेक्शन को लेकर, तो उनको कौन रेगुलेट करेगा, उनको रेगुलेट करेगा लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट में जो लॉ बनेगा उसके हिसाब से वो मैटर सॉर्ट आउट होएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट वाइस प्रेसिडेंट, अगर इसमें कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट हम प्राइम मिनिस्टर करेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।